और 4 बजे की खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, शीना बोरा मर्डर केस की जांच के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से राकेश मारिया हटाए गए। हालांकि राकेश मारिया को प्रमोशन दिया गया है, होमगार्ड का डीजी बनाया गया है और अहमद जावेद जो कि अब तक डीजी होमगार्ड थे उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाल भी लिया है। अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर ये तस्वीरें 30 सितंबर को सामने आती, लेकिन विदाई की तय तारीख से 3 हफ्ते पहले ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की छुट्टी हो गई। राकेश मारिया को प्रमोशन देकर होमगार्ड का डीजी बनाया गया है, जबकि होमगार्ड के डीजी रहे अहमद जावेद को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कहने को तो राकेश मारिया को एडिशनल डीजी से डीजी बनाकर प्रमोशन दिया गया, लेकिन असली बात यह है कि राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया है। नए नियम के मुताबिक डीजी रैंक का अफसर कमिश्नर होगा। मारिया अभी तक एडीजी थे, प्रमोशन उनको मिल गया, ऐसे में सरकार चाहती तो इस पद पर उन्हें बनाए रख सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई है और सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ चर्चा हुई है। चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उनको पदोन्नति भी देनी है और ट्रांसफर भी करना है। अचानक कुछ नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशंस चलते रहते हैं, ऑफिसर्स बदलेंगे, नए ऑफिसर्स आएंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन रुकता नहीं है, वो अच्छी तरह से चलता रहता है, नए आयुक्त भी अच्छी तरह से काम कर लेंगे। As far as the investigation which goes on as to the collection of evidence and all that, as the leader of the thing, any case which I think is important or having a bearing away will be monitored in the right professional way as it deserves. अब सवाल यह है कि क्या कमिश्नर पद से छुट्टी की वजह मुंबई की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। मारिया ने एक दिन पहले ही कहा था कि शीना मर्डर केस में वो ही चार्जशीट दायर करेंगे। टुडे वी हैव रिसीव्ड द डीएनए रिपोर्ट फ्रॉम द एफएसएल एंड द डीएनए रिपोर्ट स्टेट्स दैट इट इज कंक्लूसिवली प्रूव्ड द अक्यूज्ड इंद्राणी मुखर्जी इज द बायोलॉजिकल मदर ऑफ द डिसीज्ड। मतलब साफ है कि एक रात पहले तक मारिया को भी सरकार के इस फैसले की भनक नहीं थी। रविवार को दैनिक भास्कर अखबार में मीडिया पर सवाल उठाते हुए मारिया का एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं इस केस को दिल्ली का आरोशी केस नहीं बनने दूंगा, मुंबई पुलिस की इज्जत मेरे हाथ में है, इसलिए मैं दूसरे ही दिन इंद्राणी से पूछताछ करने पहुंचा। मेरी टीम दिन रात उन तीनों आरोपियों से पूछताछ में लगी है, शिफ्ट में पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है, मेरे कई ऑफिसर ड्राइवर की गिरफ्तारी वाले दिन से अपने घर नहीं गए हैं, आरोपियों के साथ थाने में रह रहे हैं। तो क्या शीना केस की तफ्तीश की वजह से मारिया सरकार की आंखों में खटक रहे थे? सवाल इसलिए क्योंकि इसी दिन अखबारों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान छपा था, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा था कि पुलिस मीडिया में चर्चित शीना केस पर काफी ध्यान दे रही है, लेकिन उसे उतना ही ध्यान ऐसे केस पर भी लगाना चाहिए जिस पर मीडिया का ध्यान नहीं है। इस केस में गिरफ्तार की गई इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा की मां होने के साथ साथ स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी भी हैं। हत्या 3 साल पहले की गई थी, लेकिन तब ये मामला दब गया था। इस सिलसिले में कुछ पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ऐसे में राकेश मारिया का वक्त से पहले तबादला कई सवाल खड़े करता है। तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर प्रमोशन एडीजी से डीजी बनाया गया तो फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर ही बनाकर रखा जा सकता था, उनको रिटेन उसी पोस्ट पर किया जा सकता था।